स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2 जो हम लोगों ने कल कंटिन्यू किया था कल वाली वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में 3.2 में आपको क्या बताया था कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स एंड व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स. क्लियर? नाउ वी विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग पहले यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करेंगे. देखिए सेवेंथ क्वेश्चन क्या है हमारा. गिव द 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2. तो ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाता है, दो प्राइम नंबर है हमारे, उनके बीच का डिफरेंस अगर 2 है तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्विन प्राइम्स. क्या बोला जाता है, ट्विन प्राइम्स. तो कह रहा है कि ऐसे हमें कितने पेयर्स देने हैं, 3 पेयर्स देने हैं जिनका डिफरेंस क्या होगा हमारा. क्वेश्चन नंबर 7 आई एम राइटिंग हियर. जैसे हमारा क्या है, एक 3 और 5 के पेयर होता है, ठीक है. अगर मैं इसका डिफरेंस लेती हूँ तो क्या आ जाएगा, 5 - 3 - 2. इसी तरह मैं 11 और 13 लेती हूँ. 11 और 13 क्या है, मेरे दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं. और अगर मैं इनका डिफरेंस लेती हूँ तो 13 - 11 क्या आ जाएगा, 2. नाउ इफ आई टेक अनदर एग्जांपल 17 and 19. सो अगर मैं इसका भी डिफरेंस लूँगी तो क्या आ जाएगा, 19 - 17 दैट इज इक्वल टू 2. तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि हमें ऐसे 3 पेयर्स बताने हैं जो कि क्या हों, पेयर किसके हों, प्राइम नंबर के हों. मीन्स उनका कोई फैक्टर सिर्फ 1 हो और वो नंबर खुद हो. मीन्स उनके बीच का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए. तो ये क्या है मेरे 3 पेयर्स. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम. फर्स्ट पार्ट इज 23 के फैक्टर्स क्या बनेंगे हम देखेंगे. फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके, 1 और 23 बनेंगे सिर्फ, ठीक है. तो 1 और 23 अगर हमारे इसके फैक्टर्स बने तो इट मीन्स ये नंबर खुद है, अगर 1 इसका फैक्टर है तो हम क्या लिख देंगे, इट इज अ प्राइम नंबर. नाउ कम टू बी पार्ट. बी पार्ट इज 51 जो है, देखो इसके क्या फैक्टर्स बनेंगे. फैक्टर्स जो होंगे 51 के हमारे क्या बनेंगे, वो 1. फिर देखिए आप ये 3 पे भी जा रहा है हमारा, ठीक है, और ये 17 पे भी जा रहा है और 51 पे भी जा रहा है. तो ये क्या हो गए हमारे फैक्टर्स, किसके हो गए, 51 के. तो हम कहेंगे इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है. नेक्स्ट क्या है हमारा, 37 देखेंगे हम लोग. बताती हूँ 37 जो है, 37 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या बनेंगे सिर्फ, फैक्टर्स क्या हो, 1 and 37. इसका मतलब क्या है कि 1 है और वो नंबर क्या है, खुद है. तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इट इज अ प्राइम नंबर. नाउ कम टू पार्ट डी. डी पार्ट क्या कह रहा है, 26 के भी सबको पता है कि फैक्टर्स क्या होंगे. तो 1 के टेबल में आता है, फिर 2 में भी आता है, 13 में भी आता है एंड 26 में भी आता है. तो इसके क्या हो गए, 1 भी फैक्टर हो गया और के टेबल पे भी जा रहा है. तो इसका मतलब इट इज नॉट अ प्राइम नंबर. क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर्स बिटवीन देम. तो ऐसे आप देखेंगे कि 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो हैं, स्पेशल नंबर्स जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आता है लगातार, वो कौन से हैं, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, लिखिए 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर. 90 to 96 ऐसे नंबर्स हैं जो कि कॉम्पोजिट नंबर्स हैं हमारे, उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आता. तो देखेंगे 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. ये 7 नंबर्स हो गए. अगर आप लोग देखेंगे कि 90 क्या है, 90 भी टेबल में आता है, 2K, 3K, 5K. 91 भी आता है, 92 भी जाता है टेबल में 2K, देखो 93 भी जा रहा है 3K, 94 भी जा रहा है, 95 भी जा रहा है, 96 भी जा रहा है. तो लगातार ये 7 नंबर्स ऐसे हैं, कंसेक्यूटिव मीन्स कॉन्टिन्यूसली, मीन्स लगातार ये नंबर हमारे ऐसे हैं जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, और ये सातों के सातों नंबर्स जो है हमारे क्या हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स.
नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ थ्री ओड प्राइम्स। कल अब हमने क्वेश्चन किया था जिसके अंदर हमने क्या लिखा था, टू ओड प्राइम का सम था, कोई भी हमें नंबर दिया हुआ था उसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट करना था कि दो हमारे क्या आ जाए, ओड नंबर्स, ओड प्राइम नंबर्स आ जाए। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, तीन ओड प्राइम्स लेने हैं। कैसे लेंगे, देखिए, फर्स्ट पार्ट मेरा क्या है, 21। अब देखिए 21 कैन बी रिटन एज 3 + 5 + 30। अब देखेंगे हम लोग कि जो 3 है, 5 है या 13 है, तीनों ही क्या है मेरे प्राइम नंबर्स हैं और ऑड नंबर्स हैं, तो हम क्या कहेंगे, ऑड प्राइम नंबर्स, तीन ऑड प्राइम नंबर्स का सम क्या आया मेरा, 21। इसी तरह हम देखेंगे इसका जो बी पार्ट गिवन है वो क्या है, 31 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 3 + 5 + 23। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, सम ऑफ 3 ओड प्राइम नंबर्स विच कैन बी रिटन एज लाइक दिस। नाउ कम टू पार्ट सी। पार्ट सी जो है इसका वो क्या कह रहा है हमारा, 53। तो 53 आप देखेंगे कि आप लोग वो हिट एंड ट्रायल मेथड से करके देखना पड़ेगा कि जो जो ओड प्राइम नंबर्स हैं उनका हम, इसके और भी पेयर्स बन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ यही लिखना है, आप और भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक होगा। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारी, कि वो क्या होने चाहिए, हमारे ओड नंबर्स होने चाहिए और प्राइम नंबर्स होने चाहिए। देखिए 50 नेक्स्ट क्या दे रखा है, 53। तो 53 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 + 17 कितना हो गया, ये 30 हो गया। और 53 बनाने के लिए क्या चाहिए और ऐड करना पड़ेगा हमें, 23। तो ये क्या बन गया मेरा, सम ऑफ 3 ओड प्राइम्स। ठीक है, लास्ट जो इसका पार्ट है वो देखिए वो है 61। अब आप देखेंगे इसमें क्या आ गया, 7 + 13 क्या आ गया, 20 आ गया। 20 के बाद 61 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके अंदर 41 लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 7 + 13 20, 20 + 41 है 61। तीनों क्या है मेरे ओड नंबर्स हैं और तीनों को जब मैंने ऐड किया तो क्या आया, 61। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। कह रहे राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20, 20 से कम हो, whose सम इज डिविजिबल बाय 5। अब हमें ऐसे प्राइम नंबर्स का पेयर बनाना है जो कि किसकी टेबल में आते हो, जब उनको सम करें तो 5, 10, 15, 20 ऐसा ही सम बने, 20 से कम लेना है हमें। ठीक है, तो क्या आएगा, देखिए सबसे पहला पेयर तो हम क्या ले सकते हैं, 2 and 3। नेक्स्ट हम लोग क्या ले सकते हैं, 3 और 7। आप देखेंगे 2 + 3 क्या आ रहा है मेरा, 5 आ रहा है, 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। 3 and 7 आ रहा है, क्या है, 10 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, 3 and 7 इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, 20 हो गया। ठीक है, या हम लिख सकते हैं यहाँ पे 13 और 7 लिख दिया अगर, वो भी क्या आ जाएगा, 20 विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब हम एक पेयर और रहेगा तो हम 15 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 और 13 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 2 + 13 = 15 and 15 is divisible by 5। तो हमें ऐसे पेयर बनाने थे प्राइम नंबर्स के जिसको अगर हम सम करते हैं तो वो जो सम होगा हमारा क्या होगा, डिविजिबल बाय 5। नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स देखिए क्या है, यहीं पे मैं आंसर आपको बता देती हूँ। ए पार्ट इज अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। कल मैंने बताया था 2 फैक्टर्स किसके होते हैं, 1 और 1 वो नंबर खुद। तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्या है, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, कल हमने पढ़ी थी डेफिनेशन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्पोजिट नंबर। नाउ सी पार्ट कह रहा है 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, कर दिया था ना, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, तो यानी कि हमने 1 पढ़ा था कल कि 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। नेक्स्ट पार्ट देखिए फिर इन द ब्लैंक्स में क्या कह रहा है हमें, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, कल हम बताया था आपको। ठीक है, फिर क्या है, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर
नंबर, इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 4 से। एंड लास्ट इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, इवन नंबर। स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा, सबको पता है कि इवन स्मॉलेस्ट सबसे छोटा इवन नंबर क्या है, 2 है। तो हमने क्या किया आज बेसिकली कि हमने प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स के बीच में क्या देख लिया कि क्या हमारा डिफरेंस है और उसको हम सम ऑफ 3 ओड प्राइम्स में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी, एक्सरसाइज 3.1।